अगर आपने बिजनौर में मेरठ वाले हाजी अब्दुल रहमान के फुल ड्राई फ्रूट लोडेड शीरमाल नहीं खाए तो समझिए कि अभी आपने शीरमाल खाई नहीं है। हम हैं बिजनौर के बुल्ला चौक पर और आज हम करेंगे एक्सप्लोर शीरमाल। अगर आप अवधि खानों के शौकीन हैं तो आपने शीरमाल के बारे में जरूर सुना होगा। शीरमाल रोटी का ही एक रूप है जिसे लोहे के तंदूर में पकाया जाता है। इसे बनाने में मैदे के साथ साथ घी, दूध और केसर के अलावा कई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। मैदे में दूध, घी, मावा, केसर डालकर अच्छी तरह गूंदा जाता है और उसकी फिर लोई बनाई जाती है। खास बात यह भी कि शीरमाल को लोहे के तंदूर में ही पकाया जाता है। अगर इसे मिट्टी के तंदूर में पकाएंगे तो मिट्टी इसमें से सारा घी सोख लेगी। और एक टूल जिसे ये चोका कहते हैं, उससे इसमें छोटे छोटे छेद किए जाते हैं ताकि तंदूर में सिकने पर ये फूले नहीं, क्योंकि अगर रोटी फूल जाएगी तो तंदूर में नीचे गिर जाएगी। यहाँ पर तैयार हो रहा है फुल बादाम वाला शीरमाल। आप देख सकते हैं कितने सारे बादाम इसमें लगाए जा रहे हैं। एक बार तैयार होने के बाद आप लगभग 15 दिन तक शीरमाल को रख सकते हैं। तंदूर से बाहर आने के बाद शीरमाल को घी में अच्छी तरह डुबोया जाता है और तब जाकर तैयार होता है हमारा शाही शीरमाल। यहाँ पर आप 30 रुपए से लेके 400 रुपए तक के शीरमाल ले सकते हैं। जितने ज्यादा ड्राई फ्रूट्स उतनी ज्यादा उनका प्राइस। यहाँ पर आपको काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, मगज, तिल, अखरोट, टूटी फ्रूटी या मिक्स ड्राई फ्रूट के शाही शीरमाल भी मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ खास ऑर्डर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मेरठ वाले हाजी अब्दुल रहमान के शीरमाल की बात ही कुछ खास है। यहाँ के शीरमाल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं और हर बाइट में ड्राई फ्रूट्स का क्रंच है। जो शीरमाल मैं ट्राई कर रही हूँ वो है 30 रुपीस का और इसमें इतना ड्राई फ्रूट्स का क्रंच है जो मेरे लिए काफ़ी है। आप भी यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वाले शीरमाल का मज़ा ले सकते हैं। हाँ, टेस्टी है, ड्राई फ्रूट्स भी डाले हुए हैं इसमें, बाकी और भी टेस्ट भी अच्छा आ रहा है। आपको ये जो तीन टाइप के शीरमाल नज़र आ रहे हैं इसमें से कौन सा ज़्यादा लग रहा है कि अच्छा होगा? वो लास्ट वाला जो रखा है जिसमें ज़्यादा पीनट्स जिसमें डाले हुए हैं ज़्यादा। अच्छा, पीनट्स एंड फुल बादाम वाला, दिस वन। हाँ, आपने पहली बार खाया? मैं तो पहली बार ही खाया है, अच्छा लगा। शीरमाल खाया या इनका शीरमाल पहली बार खाया? इनका मैंने शीरमाल भी पहली बार खाया और यहाँ पर भी पहली बार ही खाया। तो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे आपको कैसा? टेस्ट अच्छा है, अच्छा है, टेस्ट बढ़िया है। मतलब इवनिंग स्नैक्स के लिए परफेक्ट है। हाँ, परफेक्ट है। आपको भी? जी जी बढ़िया, मुझे तो पहले से ही पसंद है, मैं पहले से ही खा चुका हूँ। तो मैंने देखा लोकल है या बाहर से है? नहीं, मैं जसपुर से आया हूँ। इनके कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह खाने पीने और घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं ताकि आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी किसी नई जगह। तब तक टेक केयर, गुड बाय, कीप स्माइलिंग ऑलवेज।